अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 8 के लेक्चर नंबर 7 के साथ, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले पेज नंबर 5 पे हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, जो न्यू टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा, आपको एक लॉ दिखेगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, रीड करके बताती हूँ। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिटन रिस्पेक्टिवली एज। जिस तरह से हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ जो है उसमें हम टू सेट्स के साथ डील करते हैं, मगर एसोसिएटिव लॉ में हम थ्री सेट्स के साथ डील करते हैं। यानी जब भी आपको एसोसिएटिव लॉ फाइंड करने को कहा जाएगा तो उसमें आपको तीन सेट दिए जाएंगे। ठीक है, अब जिस तरह से कम्यूटेटिव की टू कंडीशंस थी, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ की भी टू कंडीशंस हैं। नंबर 1 देखिएगा, मैंने यहाँ मेंशन की है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ये इस तरह से लिखने के बाद, अब इस तरफ अगर आप लास्ट के साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इक्वल के इस तरफ आप फर्स्ट के साथ ब्रैकेट लगा दें तो वो आपकी एसोसिएटिव लॉ की फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये यूनियन है, क्योंकि इसमें तमाम सेट्स के दरमियान में यूनियन हम यूज कर रहे हैं। अब एक दूसरी कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखकर ब्रैकेट लगाने के टाइम पर अगर आप इक्वल के इस तरफ लास्ट टू सेट्स के साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इक्वल के इस तरफ फर्स्ट टू के साथ आप ब्रैकेट लगा दें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंड कंडीशन बन जाएगी एसोसिएटिव लॉ की विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें उसने आपको टू कंडीशंस दी हैं। ठीक है, ये कंडीशंस किसकी हैं, एसोसिएटिव लॉ की हैं। क्यों, कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसमें 3 सेट्स दिए गए हैं और जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें तमाम में यूनियन और सेकंड कंडीशन में तमाम में इंटरसेक्शन हमने यूज किया है, तो ये हमें बताएगा कि ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब सेट कोई भी हो सकता है, ए बी सी भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, कुछ भी सेट्स को नेम दे सकते हैं। यहाँ पे उसने जो हमें क्वेश्चन में सेट्स दिया वो है एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यूज है ए बी सी डी, वाई की वैल्यूज है बी डी सी एफ एंड जेड की वैल्यू है सी एफ जी एच। आपने इन तीन सेट से इन टू कंडीशंस को क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं ए कंडीशन को प्रूफ करूंगी। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। इसकी मैं अगर मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो है एक्स इंटरसेक्ट यूनियन वाई यूनियन जी। अब हमेशा आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज की सॉल्व की जाती है। जब भी किसी फॉर्म में ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट में y यूनियन z है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, y यूनियन z। y यूनियन z, y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू आपके पास है b d c f, फिर यूनियन लगा देंगे, फिर z है, z की वैल्यू आपको पता है c f g h, ये आपके पास z की वैल्यू होगी। अब इनका यूनियन देंगे, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स, तो लिखेंगे b c d f g h, ये दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स। ये तो आ गया y यूनियन z। ठीक है, y यूनियन z का अब हमने y यूनियन z का हमें यूनियन लेना है x के साथ, ये अभी हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, आप देख लेते हैं x यूनियन y यूनियन z। आप सबसे पहले x की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यूज आपके पास है ए बी सी डी, फिर यूनियन है, यूनियन लगा दें,
जी एच। अब इनमें आपने इंटरसेक्शन यूनियन देना है, यूनियन का मतलब दोनों साइड के तमाम एलिमेंट्स। तो कैसे लिखेंगे, ए बी ए बी सी डी एफ जी ए। ये तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी ही हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड आपके पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब इसमें भी पहले ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करें। ब्रैकेट में है एक्स यूनियन वाई, एक्स की वैल्यू ए बी सी और डी है, यूनियन बीच में वाई की वैल्यू है आपके पास बी डी सी एफ बी डी सी एफ। अब इन दोनों का यूनियन ले लें तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, ए बी सी डी एफ, ठीक है। अब इस एक्स यूनियन वाई को हमने यूनियन लेना है जी के साथ, एक्स यूनियन वाई का हमने यूनियन लेना है जी के साथ। तो सबसे पहले हम एक्स यूनियन वाई की वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमने ये फाइंड की है, इसकी जगह ये लिख देंगे ए बी सी डी एन एफ, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर जी की वैल्यू जो कि आपके पास है सी एफ जी एच। अब इन दोनों का यूनियन नहीं तो देखिए क्या आएगा, तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो वो क्या है ए बी सी डी एफ जी एच। अब देखा जाए तो दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये इसकी राइट हैंड साइड का आंसर। देखिए लेफ्ट साइड पे भी आपके पास ए बी सी डी एफ जी एच आ रहा है, राइट साइड का आंसर भी ए बी सी डी एफ जी एच आ रहा है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब आपने क्या करना है, इसी पार्ट का आपने ये बी भी प्रूफ करना है, ठीक है, जिसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इसी के साथ ही साथ आपने होमवर्क भी करना है बाकी पार्ट्स का, वो मैं आपको होमवर्क मेंशन कर देती हूँ आपके डायरी में, देखिएगा, डू होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू। दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।